नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज काफ़ी समय बाद मैं आप लोगों से ऑनलाइन मुखातिब हो रहा हूं और मुझे उम्मीद है और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम में आप सब लोग सुरक्षित होंगे, घरों के अंदर होंगे। आज ऑनलाइन आने का मुख्य प्रयोजन ये है कि मेरे पास एक बहुत समय बाद एक सुखद समाचार है आप लोगों के लिए, एक शुभ समाचार है। आज 8:23 रात्रि को सूर्य मेष राशि में आ चुके हैं, जिसको हम कहते भी हैं कि आज बैसाखी है, बैसाख का महीना स्टार्ट हो गया है। और जो मेष राशि है वो सूर्य की उच्च की राशि है और सूर्य भगवान जो है प्रत्यक्ष देवता है। मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा कि सूर्य और चंद्रमा को हम प्रत्यक्ष देवता भवनमा कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि देवता जो हमें दिखते हैं, हमें शिव जी नहीं दिखते, हमें राम नहीं दिखते, कृष्ण नहीं दिखते, हनुमान नहीं दिखते, उनकी मूर्तियाँ दिखती हैं, लेकिन हमें सूर्य और चंद्रमा की मूर्तियाँ नहीं दिखती, वो हमें साक्षात दिखते हैं। तो सूर्य साक्षात देवता हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में आज 8:23 पर उनका पदार्पण हो चुका है। और सूर्य स्वास्थ्य के कारक है, जैसे पिछला 1.5 महीना पूरे जगत में बहुत ज़्यादा ग्लूमी रहा। अलग अलग आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेज देखे होंगे कि गुरु मकर में आ गया, शनि मकर में आ गया, राहु ये सब ठीक है, पर मैं आपको एक समाचार अच्छा देना चाहता हूँ। वो था कि बीमारी क्यों आई और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीमारी क्यों जाएगी। देखिएगा, अब टीका भी मिल जाएगा, इलाज भी मिल जाएगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। दुनिया में अलग अलग वैज्ञानिक इसके लिए दवाई ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, राजनेता लगे हुए हैं, हम जो पंडित लोग हैं हम भी एक अनुष्ठान कर रहे हैं। और प्रियंका ने ग्रुप में एक मंत्र भी शेयर किया है। मैं बार बार मैंने सबको कम से कम 200-300 लोगों को खुद फ़ोन करके बोला है कि प्लीज़ उस मंत्र को सुनते रहिए। हम लोग एक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें हम लोग रोज 1.25 लाख जाप उस मंत्र की हम आहुतियाँ कर रहे हैं। तो यू हैव टू जस्ट लिसन दैट मंत्र 32 टाइम्स। तो मेक श्योर जब तक मेरा अगला वीडियो नहीं आए कि मंत्र सुनना बंद कर दीजिए, तब तक प्लीज़ वो मंत्र सुनते रहिएगा, क्योंकि वो मंत्र आपको किसी भी तरह के वायरस से, और खासकर ऐसा वायरस जो किसी जानवर से और खासकर सांप से, बिच्छू से, किसी विषैले जानवर से जो वायरस पैदा होता है उससे बचाव के लिए वो मंत्र दिया गया है। तो उसको अगर मुझे पता है वो एक मुश्किल मंत्र है, बहुत लोगों ने मुझे मेल करा सर बड़ा मुश्किल है, तो मैंने फिर उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दिया कि आप उसको केवल सुन लीजिए। तो मेक श्योर कि वो मंत्र सुनते रहिए। अब जो टाइम है धीरे धीरे समय अच्छा होता चला जाएगा। मैं एक बात और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के टाइम में को आप ऐसे ही व्यर्थ में सोने में, खाने में और टीवी देखने में, व्हाट्सएप में मैसेज करने में मत व्यर्थ करिए। मैंने कुछ फोटोएं देखी फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, कि गंगा जी कितनी साफ हो गई, हरिद्वार की कुछ तस्वीरें थी और लग ही नहीं रहा था कि हरिद्वार होगा। अभी दिल्ली में यमुना जी की तस्वीरें आई कि यमुना इतनी साफ हो गई है। कल आया पटियाला के पास जलंधर से जो है हिमाचल की पहाड़ धौलाधार रेन दिखने लग गई, चिड़ियों का एक पूरा झुंड नजर आया। तो प्रकृति ने 15-20 दिन के अंदर ही अपने को साफ कर दिया है, अपने को दोबारा शुद्ध कर लिया है। तो जब इतनी बड़ी प्रकृति कर सकती है तो आप भी करें। दिस इज द बेस्ट टाइम। देखिए कितना अच्छा है, आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आप कहीं सिनेमा मॉल नहीं जा रहे, कोई ऐसा कोई भी काम जिसको हम कहते हैं कि जो काम जो है तामसिक प्रकृति का है, शराब नहीं पी रहे क्योंकि मिल नहीं रही, नॉनवेज नहीं खा रहे, फास्ट फूड नहीं खा रहे, पिक्चर सिनेमा नहीं जा रहे, तो आपके अंदर की जो प्रकृति है दैट इज द बेस्ट टाइम। अगेन आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट टाइम। उस अंदर की स्थिति को भी देखिए कि टाइम है तपस्या करने का। तपस्या करना होता है जब अग्नि मन के अंदर जलती है, और यज्ञ होता है जब अग्नि बाहर जलती है। अब हम यज्ञ नहीं कर सकते, घर में पंडित नहीं आ सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते। अभी देखा आप नवरात्रे गए, आप लोग मंदिर नहीं गए, आप किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया, होम नहीं किया, लेकिन तपस्या जरूर कर सकते। तपस्या में यज्ञ और तपस्या में फर्क क्या है? यज्ञ में अग्नि बाहर जलती है, तपस्या में अग्नि अंदर जलती है। यज्ञ में सब लोग चाहिए, यज्ञ में आपको अपनी बीवी चाहिए, पंडित चाहिए, आपको अपनी बहन चाहिए, भांजे चाहिए, दान चाहिए, लेकिन तपस्या में आपको कोई नहीं चाहिए। यज्ञ में हम किसी देवता को खुश करते हैं और देवता से फिर हम कोई सिद्धि लेते हैं। तपस्या में हम देवताओं को दरकिनार रख के सीधा भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस टाइम देखा रावण ने तप किया। तो दिस इज अ टाइम टू डू तपस्या, दिस इज अ टाइम टू लुक इनसाइड, दिस इज अ टाइम टू चेंज योर नेचर। इसका फायदा उठाइए, गीता पढ़ें, अपने मंत्रों का जाप करें, रोज आधा घंटा एक घंटा ध्यान करें, अपने को अंदर से देखें। मुझे बहुत लोग मेल करते हैं सर हम बोर हो गए। जब आपके पास समय नहीं था तो आप कहते थे अरे मरने की फुर्सत नहीं है, और जब समय है तो आप अब भी परेशान हैं। तो भगवान भी परेशान हो जाएगा कि अपने यूज दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम, दिस टाइम इज द बेस्ट रिसोर्सेज। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। अपने को जाने, अपनों को जानिए, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ समय गुजारें, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके साथ अपने साथ समय गुजारें। एक घंटा दो घंटा रोज बैठिए,
कोई मंत्र सुनिए, कोई गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो आंखें बंद करिए और ध्यान करिए। और जैसे बाहर की प्रकृति बदल रही है, देखिए पत्ते कितने साफ हो गए, रोड कितनी साफ हो गई है, हवा कितनी साफ हो गई है, ऐसे अपनी आत्मा को भी साफ करिए। आपके अंदर की प्रकृति, शरीर की प्रकृति है जो जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं, वो भी साफ होंगे। जो शरीर में गंदगी है क्योंकि आप फास्ट फूड नहीं खा रहे, आप मिठाई नहीं खा रहे, आप ड्रिंक्स नहीं कर रहे, तो आपकी शरीर की प्रकृति भी आपकी साफ होगी और साथ साथ आपका आत्मा, आपकी चित्त भी साफ होगा। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा और फिर खुशखबरी दूंगा कि बहुत जल्दी हम पूरा विश्व कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। तब घर में रहिए, सावधान रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद। खुश रहो।